रेडी? गुड इवनिंग एवरी वन कैसे हैं सब लोग अच्छे हैं तो चलिए फिर 600 सौ प्लस टी सी एस क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है और आज दसवां सेट हम लोग करने वाले हैं ठीक है सेट नंबर टेन के सारे रीजनिंग के बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने लाइव रुक्मिनी पब्लिकेशन ऐप से रुक्मिनी एग्जाम ठीक है तो चलते हैं फिर पहले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन मतलब सहकर्मी कौन कौन है कर्ण मिशेली प्रभु वंजा मोहन रघु जौकी और नीलिमा एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि उनमें से चार कोनों पर और चार भुजाओं के मध्य बैठे हुए कोनों पर बैठे व्यक्तियों के मुख बाहर की ओर है मतलब केंद्र के विपरीत और भुजाओं के मध्य में बैठे व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर है इसका मतलब वो कुछ इस तरह से बैठे हुए हैं चार लोग कोना पर बैठा हुआ है उसका मुख बाहर की तरफ है और चार लोग भुजाओं के मध्य में बैठे हैं उसका मुख केंद्र की ओर है अब चलो इस पर सारे लोगों को हम लोग बैठाते हैं पहला लाइन क्या कह रहा है वो देखो वंजा जॉकी के और, और वंजा का मुख केंद्र की ओर है तो वंजा तब तो यहां हो जाएगी केंद्र की ओर मुख है तो और वंजा कहां बैठी हुई है जॉकी के दाई और तीसरे स्थान पर इसका मतलब जॉकी जो है यहां होगा कहिए क्यों क्योंकि इसका फेस बाहर है तो जॉकी के दाई और तीसरे नंबर पर वन जा बैठी हुई है मोहन प्रभु के बाई और तीसरे स्थान पर है मोहन प्रभु के बाई और क्या इसको बैठा सकते हैं आप तो छोड़ दीजिए प्रभु किसी भुजा के मध्य में नहीं बैठा है तो प्रभु अगर भुजा के मध्य नहीं बैठा हुआ है तो इसी तीन जगहों में से कहीं बैठेगा धन मोहन और रघु के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है रघु प्रभु के ठीक बगल में नहीं है नीलिमा का मुख्य केंद्र की ओर है कर्ण रघु के बगल में नहीं बैठा है मतलब हम लोग गलत लाइन से स्टार्ट कर लिए कोई बात नहीं मोहन प्रभु के बाई और तीसरे स्थान पर है तो साइड में लिख लीजिए मोहन प्रभु के कहा बैठा हुआ है तो मोहन प्रभु के बाई और तीसरे स्थान पर तो एक दो तीन में मोहन बैठा हुआ है तो मोहन प्रभु के बाई और तीसरे स्थान पर अब प्रभु किसी भुजा के मध्य नहीं बैठा है तो प्रभु जब भी बैठेगा या तो प्रभु यहां बैठेगा या यहां या यहां प्रभु को यहां अगर बैठाते हैं तो क्या बाई और तीसरा में एक दो तीन बैठ जाएगा प्रभु को अगर हैं तो में मोहन बैठ जाएगा प्रभु को अगर यहां बैठाते हैं तो तो में, में नहीं बैठेगा तो प्रभु या तो यहां बैठेगा तो मोहन यहां बैठेगा क्लियर है तो मोहन प्रभु के बाई और तीसरे स्थान प्रभु किसी भुजा के मध्य में नहीं बैठे मोहन और रघु के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है तो मोहन और रघु या तो यहां होगा या तो यहां होगा रघु प्रभु no he <speaking> के ठीक बगल में नहीं है इसका मतलब है कि रघु तब यहाँ हो जाएगा तो रघु प्रभु के बगल में नहीं लेकिन मोहन और रघु के बीच में एक व्यक्ति बैठे है नीलिमा का मुख केंद्र की ओर है अच्छा नीलिमा का मुख केंद्र की ओर है तो एक ही जगह बच गया है नीलिमा यहाँ हो जाएगी तो नीलिमा का मुख केंद्र की ओर है जान कर्ण रघु के बगल में नहीं बैठा है कर्ण रघु के बगल में नहीं बैठा है लो गड़बड़ हो गया क्या हो गया गड़बड़ हो गया तो कोई बात नहीं हम लोग जो प्रभु को बैठाए हैं प्रभु वहाँ क्या बैठा हुआ है तो प्रभु वहाँ गलत बैठा हुआ है प्रभु गलत बैठा हुआ है तो, तो क्लियर हो गया कि प्रभु यहीं पर बैठेगा अब प्रभु के माए तीसरा मोहन हो गया कोई दिक्कत अब मोहन और रघु के बीच में एक व्यक्ति तो मोहन और रघु के बीच में एक व्यक्ति हो गए क्लियर तो प्रभु किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा है कॉर्नर पर बैठेगा मोहन और रघु के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है रघु प्रभु के ठीक बगल में नहीं है तो रघु प्रभु के ठीक बगल में नीलिमा का मुख्य के तो केंद्र की ओर है तो नीलिमा का मुख्य केंद्र की ओर मतलब नीलिमा यहां हो जाएगी तो नीलिमा का मुख्य केंद्र की ओर है कर्ण रघु के बगल में नहीं बैठा है तो कर्ण तब यहां बैठ जाएगा कर्ण रघु के बगल में नहीं बैठा है बच कौन गया है बताइए मिशेली बची हुई है कौन बची हुई है मिशेली बची हुई है सवाल क्या पूछ रहा है ये बताओ सवाल पूछ रहा है इनमें से कौन मोहन रघु दोनों के ठीक बगल में है मोहन रघु दोनों के बगल में कौन है तो मोहन रघु दोनों के बगल में कौन है जौकी है कौन है अगला सवाल 10 अप्रैल 2020 से 25 जुलाई 2020 तक दोनों दिनों को मिलाकर दिनों की कुल संख्या देखो अप्रैल टोटल 30 दिनों का है तो नौ ही दिन को हटाएंगे तो अप्रैल मई जून और जुलाई तो अप्रैल का कितना दिन लेना पड़ेगा 21 क्योंकि 10 अप्रैल को शामिल करना है तो न ही अप्रैल तक न छोड़ दिए तो 21 दिन लेंगे अब अप्रैल के बाद मई जून और जुलाई का कितना 25 जोड़ दीजिए सबको कितने दिन हो गए तो पाँच दो सात हो गया ठीक है तीन दो पाँच तीन आठ दो दस हो गया एक दिन कितने दिन हो गए एक दिन हो गए ऑप्शन से ए हो गया दिनों की संख्या कितनी हो गई 107 हो गई कोई दिक्कत आगे बढ़े अगला क्वेश्चन एक है चौसठ है तीन सौ तैतालीस है एक हजार है क्या होगा अगर चालीस सौ छियानबे है ध्यान दीजिएगा ये सारे क्यूब के नंबर है ये एक का क्यूब ये आठ का क्यूब ये सॉरी एक का क्यूब प्लस तीन चार का क्यूब प्लस तीन सात का क्यूब प्लस तीन दस का क्यूब प्लस तीन तेरह का क्यूब तेरह का क्यूब कितना हो जाएगा इक्कीस सौ संतानवे हो जाएगा आइए तेरह तीन सोलह का क्यूब कोई दिक्कत नेक्स्ट क्वेश्चन कमांडरों की एक पंक्ति में ध्यान दो कमांडरों की एक पंक्ति में एंड्री सम्मुख सिरे से सत्रहवें स्थान पर है ये एंड्री हो गया सम्मुख से सत्रहवें स्थान पर है और ब्रुक

सिक्सटी नाइन माइनस वन हो जाएगा सिक्सटी नाइन माइनस वन दैट मीनस सिक्सटी एट इज योर करेक्ट आंसर ऑप्शन से ए नंबर करेक्ट आंसर इज सिक्सटी एट कितना हो जाएगा सिक्सटी एट हो जाएगा बताइए कोई दिक्कत आगे बढ़ें, अगला कुछ कागज जो है ना वो मेज हैं। कुछ कागज क्या है मेज है कुछ रस्सियां क्या है मेज हैं। सभी मेजे क्या है कपड़ा है तो मेजे कपड़ा हो गया कोई दिक्कत सवाल क्या कह रहा है पहला कुछ कागज कपड़े हैं तो ये बताओ कागज और कपड़ा में रिलेशन बना पहला सही कुछ तो रस्सियां कपड़े हैं ना रस्सियां और कपड़ा जी हाँ रस्सियां और कपड़ा में भी रिलेशन बन गया कोई कपड़ा रस्सी नहीं है निगेटिव बात कर रहा है सीधा गोली मारिए निगेटिव बात करा है सीधा गोली मारिए मतलब केवल निष्कर्ष एक और दो पालन करता है ऑप्शन से डी चला जाएगा क्या चला जाएगा ऑप्शन से डी चला जाएगा कोई दिक्कत है क्लियर है चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कह रहा बी की माँ एफ की पुत्री है यानी कि बी की जो मां है वह एफ की पुत्री है तो बी की माँ एफ की पुत्री है सी जो है एफ और डी का पुत्र है सी एफ और डी का पुत्र है कौन भाई सी सी एफ और डी का पुत्र है जी सी और ई का पुत्र है जी किसका सी और ई का पुत्र है जी सी और ई का पुत्र, पुत्र है तो जी यहां हो गया जी सी और ई का पुत्र है ओहो हो हो सॉरी जी किसका सी और ई e का पुत्र है जी सी और ई e का पुत्र है कौन जी क्लियर जी सी और ई e का पुत्र है डी आर की माँ है अब डी कौन है तो आर की माँ है डी माँ तो ये पिता यहाँ पर यानी कि आर हो जाएगा डी कौन आर की माँ है तो एफ का जी से क्या संबंध है सवाल है कि एफ का किससे जी से क्या संबंध है तो जी के पापा पापा के पापा मतलब दादा हो गए कौन हो गए दादा मतलब पिता के पिता हो गए कोई दिक्कत नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ बैट जो है ना वो बॉल है कुछ बैट क्या है बॉल हो गए सभी बॉल कैप है और सभी बॉल क्या है कैप सभी कैप खिलाड़ी है और सभी कैप क्या है हैं है कोई खिलाड़ी है कोई खिलाड़ी है डायग्राम तो चलो बन गया पहला एग्जाम्पल क्या कहता है पहला कम कोई बैट कैप नहीं है तो बैट ये रहा कोई बैट कैप नहीं है अब बताओ बैट और कैप में तो पॉजिटिव रिलेशन है आई निगेटिव बात कर रहा है तो गलत करिए इसको सभी कैप बॉल हैं अच्छा बताइए सभी कैप बॉल है रिवर्स में कभी भी सही माना जाता है सभी गलत कुछ हैट कैप है तो बताइए हैट कैप है तो आप कहिएगा नहीं सर नहीं है कोई हैट बॉल नहीं है ये सही होगा कोई टबॉल नहीं है ऑप्शन से केवल निष्कर्ष चार अनुसरण करता है ऑप्शन से क्या हो जाएगा सी नंबर क्लियर है अगला सवाल यदि शब्द स्टेडियम के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में उनके क्रम के अनुसार पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो किस अक्षर की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी देखिए तो सबसे पहले स्टेडियम है स्टेडियम दिया हुआ है सबसे पहले ए अरेंज हो जाएगा फिर डी अरेंज हो जाएगा ए डी के बाद क्या है आई के बाद एम है एस टी यू है यही ना एस टी यू तो बताइए किसका स्थान अपरिवर्तित रहा ये भी परिवर्तित हो गया ये भी ए भी डी भी एस भी टी यू एम भी मतलब सभी अक्षरों की स्थिति परिवर्तित होगी मतलब कोई ऐसा अक्षर नहीं होगा जिसका कि अपरिवर्तित रहेगा क्यों भाई सब बंद हो सब ये हो गया आठ व्यक्ति एफ एच के एन पी एस वी एक्स एक सीधी पंक्ति में किधर भाई उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं ये लेफ्ट और ये राइट पहला लाइन क्या कहता है ये बताओ पहला लाइन कहता है ना तो एफ और ना ही एच पंक्ति के किसी भी सीरी पर बैठा मतलब एफ और एच छोड़ पर नहीं बैठा है साइड में लिख करके क्रॉस कर दीजिए एफ एच के दाई और चौथे स्थान पर बैठा है एफ कहाँ तो एच के एक दो तीन चार एफ बैठ गया तो एफ एच के दाई और चौथा पांच अब दोनों में से कोई भी छोड़ पर नहीं है तो कम से कम एक एक व्यक्ति तो जरूर होगा अब व्यक्तियों की संख्या सात हो गई कह रहा है एफ और के के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं तो एफ और के के बीच दो व्यक्ति उधर तो कभी हो नहीं सकता है तो एफ और के, के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं पी और के के बीच दो से अधिक व्यक्ति बैठे हैं अच्छा पी और के के बीच में दो से अधिक व्यक्ति बैठे हुए हैं तो पी या तो यहां होगा या एक यहां पर होगा तो पी और के के बीच में दो से अधिक व्यक्ति बैठे हैं। पी किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है अब क्लियर हो गया कि पी किसी इधर तो होगा नहीं अब पी और के के बीच में कितना दो से अधिक तो पी यहां हो गया एक व्यक्ति तब तो यहां होगा क्लियर हो गया पी और के के बीच में दो से अधिक के पी किसी भी छोर पर नहीं बैठा हुआ है एस भी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है तो एस जो है वी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है एक्स भी के बाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा हुआ है एक्स भी के बाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है तो एक्स हो गया एक व्यक्ति कौन बच गया एफ एच के एन एफ बैठ गया एच बैठ गया के और एन एन बच गया है कौन बच गया है एन चलो फिर आंसर करने की बारी पंक्ति के दाएं सिरे से एन का स्थान तो पंक्ति के दाएं सिरे से एन का स्थान क्या हो जाएगा पहला हो जाएगा क्या हो जाएगा पहला कोई दिक्कत है तो बताइए डन ना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लगता है क्या किया गया है इसको 69 और 87 को कुछ ना कुछ करके बोलाया है बताइए क्या किया गया अच्छा दोनों को जोड़ करके देखिए तो कितना होता है नौ सात सोलह नौ सात सोलह आठ छः चौदह एक पंद्रह एक सौ छप्पन होता है और उनचालीस से भाग दीजिए तीन चौक बारह और छत्तीस हाँ चार आया कितना आया चार इसको जोड़िए तो नौ नौ अट्ठारह एक सौ अट्ठासी भागा सैतालीस कीजिए तो चार चौक सोलह एक सौ साठ सात चौक अट्ठाईस जी हाँ चार आता है बन गया मतलब दोनों को जोड़ करके चार से भाग तो बताइए बावन और छः पाँच ग्यारह छः पाँच ग्यारह चार दो छः एक सौ सोलह भागा चार करेंगे तो हमारा आंसर निकल करके चलाएगा तो चार दो ना आठ हो जाएगा तीन चार नवा छत्तीस मतलब ट्वेंटी नाइन निकल करके आया क्या निकल करके आया ट्वेंटी नाइन निकल करके आया कोई दिक्कत अगला सवाल ये और बी अच्छा दोनों में कॉमन टर्म क्या है ये बताओ ये कॉमन है तो यहाँ से यहाँ आते हैं यहाँ से बी जाते हैं तो इसकी और बी के बीच में रिलेशन बताओ ऑपोजिट सिंबल हो गया कि नहीं रिलेशन नहीं बना तो पहला रॉन्ग हो गया दूसरा कुछ चेक करिए ये और ये तो ये तो यहीं से चेक हो जाएगा अब बताइए ऑपोजिट सिम्बल आ गया रिलेशन नहीं बना तो दोनों में से कोई भी नहीं होगा दोनों में से कोई भी नहीं होगा क्लियर है अमित की वर्षगांठ 25 फरवरी 2020 को मंगलवार के दिन थी उसके भाई की वर्षगांठ जो कि 13 मई 2020 को थी तो कौन सा दिन था देखो साल तो सेम है 25 फरवरी दिया हुआ है फरवरी मार्च अप्रैल और मई तो फरवरी में 25 के बाद कितने दिन बच गए चार मार्च 31 है तीन अप्रैल दो और मई का तेरह तो छः सात उड़ा दिया अब बताइए चार चर, चार तीन सात खत्म सात खत्म क्या बच गया एक मतलब मंगलवार और प्लस एक का मतलब क्या हो जाएगा बुधवार ऑप्शन से ए नंबर ऑप्शन से ए नंबर यानी कि बुधवार हो जाएगा क्या हो जाएगा बुधवार अगला सवाल देखिए ए भी वाई बी बी वाई आर आई डी डब्ल्यू मतलब अपोजिट किया गया है क्या किया गया ऑपोजिट यहां पर भी देख लो अपोजिट किया गया है यहां से भी अपोजिट कर लो तो जे का अपोजिट क्यू हो गया भी हो गया डी हो गया जेड हो गया डब्ल्यू हो गया मतलब ऑप्शन से बताइए क्यू वी डी जेड क्यू वी डी जेड डब्ल्यू ऑप्शन से सी नंबर कौन सा सी नंबर हो जाएगा क्लियर है अगला सवाल उसी कोड भाषा में ब्लिस दी यूथ अब देखिए ब्लिस दी और तो कोई कॉमन है दोनों में कोई बल एक कोड कॉमन होगा टी एच मतलब ब्लिस का कोड टीएच हो गया डन अब टी एच डबल ई यहां पर है टी एच डबल ई यहां पर है तो दोनों में टी एच के अलावा कौन कॉमन है जे के और जे के मतलब डी का कौन जे के हो जाएगा क्लियर हो गया यूथ का कोड अब निकालना है तो देखो लास्ट को हटा दीजिए यहाँ से तो दोनों में एक कॉमन बता दीजिए सी यू कॉमन हटा दीजिए यूथ का कॉमन डब्ल्यू एन हो जाएगा बताइए टी एच जे के टी एच जे के टी एच जे के, -के डब्ल्यू एन ऑप्शन से डी नंबर ऑप्शन से डी नंबर क्लियर है देखते के साथ बनने वाला क्वेश्चन यदि किसी दिए गए वर्ष में 10 मई को सोमवार था तो उसी वर्ष 11 जुलाई को था कुछ मत करो मई का महीना है इकतीस दिनों का 10 के बाद 21 मतलब जीरो मई के बाद जून 30 मतलब दो जुलाई 11 सात हटा दिए तो चार मतलब छह प्लस सोमवार मतलब रविवार हो जाएगा क्या हो जाएगा रविवार अब कितना शॉर्ट बनेगा आराम से आंसर ए हो गया क्या हो गया ए कोई दिक्कत आगे बढ़े अगला सवाल टीचर को देखिएगा टीचर को क्या लिखा जा रहा है सी ए ये जो ए सी है वो सी ए हो गया ये जो एच ई -E है वो एच ई -E यहां आ गया ये जो ई -E है ईटी e हो गया आर अपने जगह पर थी देखिएगा कुछ और लॉजिक है देखिएगा टीचर टी ई सी एच ई सी एच ई डी यू टी e एन और क्या किया गया है देखिएगा देखिए मिला करके टी ई ए सी एच ई आर को लिखा जा रहा है सी एच डबल ई टी आर सेम स्टूडेंट को स्टूडेंट को डी यू टी डी यू ई टी एनएसटी क्या किया गया है तो सवाल है सक्सेस को क्या कोड किया जाएगा ध्यान दीजिएगा ये सी यहां आया ए यहां आया एच यहां आया मतलब ठीक है और टी यहां चला गया तो देखिएगा एक दो तीसरा सबसे पहले चौथा पहले आ जाता है एक दो तीन चार चौथा पहले सी चौथा के बाद फिर सी आ जाएगा तीसरा नंबर चार तीन फिर उसके बाद पाँचवा मतलब ई हो जाएगा सी सी ई किस में दिया हुआ है सी नंबर में फिर ये जो यू है यहाँ चला आएगा फिर एस 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 डन ऑप्शन से सी हो जाएगा क्या हो जाएगा सी नंबर क्लियर एक सही पता चल गया ये टी क्योंकि यहाँ चला गया फर्स्ट वाला सेकंड लास्ट तो फर्स्ट वाला सेकंड लास्ट चला गया ठीक है ये ई यहाँ आ रहा अपने जगह पर एस यहाँ ये एस यहाँ आ गया डन और ई आपका सी सी तो आ ही गया ना चौथा पहले फिर ये फिर यू और ई इस तरह से अगला माला की आयु कितनी है सवाल है माला की आयु कितनी है तो पहले से आंसर आया क्या रोहन शिला और माला की आयु का योग मतलब रोहन शिला की आयु का योग 95 है। मतलब इससे तो पता नहीं चल पाया कि माला का ये कितना। रोहन की आयु माला से कम है रोहन की आयु माला से कम है इससे भी नहीं पता चल पाया माला की आयु शिला से 10 वर्ष अधिक है माला की आयु शिला से 10 वर्ष अधिक है शिला से दस वर्ष अधिक कौन हो गई माला अकेला तो कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा किसको किसको मिलाएं कि आंसर आ जाएगा यह बताइए किसको किसको मिलाएं कि आंसर आ जाएगा तो तीनों को मिलाना पड़ेगा तभी आंसर आएगा माला शिला से दस साल अधिक तो ये बताइए माला शिला से दस साल अधिक यानी कि आर प्लस ah... सॉरी माया क्या दिया हुआ है माला जो है माला की आयु शिला से दस वर्ष अधिक है तो शिला से दस वर्ष अधिक अगर इसको रख दें एस प्लस टेन रख सकते हैं कि नहीं माला के जगह पर तो नाइन्टी फाइव इससे बताइए निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा निकल जाएगा ना आरोहन रोहन की आयु माला से कम है आरोहन रोहन की आयु माला से कम है तो बताइए तीनों को जब मिलाएंगे तब जाकर के आंसर आएगा नहीं हमको लगता है नहीं आ पाएगा देखिए आर प्लस टू एस इजक्ल टू पचासी हो जाएगा फिर भी क्या इससे आंसर आ पाएगा नहीं आएगा हमको लगता है तो कथन एक दो तीन एक साथ पर्याप्त नहीं है सी नंबर आंसर चला जाएगा क्या चला जाएगा सी नंबर कोई दिक्कत आंसर आ ही नहीं पाएगा आ पाएगा बताइए क्लियर अगला सवाल देखिए दो प्लस चार छः चार दस मतलब J हो जाएगा दस चार चार चौदह पंद्रह माइनस दो माइनस दो माइनस दो माइनस दो पच्चीस से माइनस चार माइनस चार क्यू तो जे के क्यू दिया हुआ है ए नंबर में जे के क्यू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डन अगला दस व्यक्ति दो समांतर पंक्ति में एक और दो

तो W का मुख एक के ठीक बगल बैठे व्यक्ति B एक के बाई और दूसरे स्थान पर बैठा है B A के बाई और तो A यहां पर होगा तो B यहां पर होगा या A यहां होगा तो B यहां पर होगा डन और कोई चांस है क्या नहीं C और की एक और मुख करके बैठे व्यक्ति के केवल एक व्यक्ति बैठे सी और भी की ओर मुख करके बैठे व्यक्ति के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है सी और वी की ओर मुख करके बैठे व्यक्ति के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है तो सी और वी के बीच ठीक है ना तो सी और ना ही वी किसी भी सिरे पर बैठे हैं भी का मुख डी के ठीक बगल बैठे व्यक्ति e की ओर है आई ई की ओर मुख करके बैठा व्यक्ति एक्स के बाई बाईर ठीक बगल में बैठा हुआ है ठीक है वाई और एक्स के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है जेड का मुख किसकी ओर है तो वाई और एक्स के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा डन तो एक काम करते हैं कि अगर हम एक को यहाँ बैठा दें तो को यहां बैठा दें डन तो बी एक के बाई बाईर दूसरे स्थान पर हो गया कि नहीं हो गया दूसरे स्थान पर सी और भी की ओर मुख करके बैठे व्यक्ति के बीच दैट इज नॉट क्लियर सी और भी के बीच सी और भी के बीच मतलब सी यहां पर भी होगा और भी के बीच में एक होगा ठीक है तो अगर सी यहां तो भी यहां सी तो यहां होगा नहीं सी यहां तो भी यहां और क्या कह रहे ना तो सी ना ही भी किसी सिरे पर क्लियर हो गया देखिएगा सी को आप यहाँ रख नहीं सकते असी को यहाँ रख नहीं सकते क्योंकि सी और भी के बीच एक व्यक्ति तो सी यहाँ हो जाएगा भी यहाँ हो जाएगा सी और भी के बीच एक व्यक्ति आमने सामने मुख करके बैठे हैं, ना तो सी ना ही वी का मुख डी के भी का मुख डी के ठीक बगल बैठे व्यक्ति की ओर है वी का मुख डी के ठीक बगल बैठे व्यक्ति की ओर है यह भी क्लियर हो गया ई e की ओर मुख करके बैठा व्यक्ति एक्स के बाई ओर ठीक बगल में तो ई e की ओर बैठा व्यक्ति एक्स के बाई ओर ठीक बगल में तो ई e यहाँ हो जाएगा एक्स के बाई ओर ठीक बगल में डन वाई और एक्स के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है ओह माय गॉड ओह माय गॉड यहाँ पर गलत हो गया तो क्या कह रहा है कि ई e की ओर मुख किए हुए व्यक्ति यह रहा तो ई e की ओर मुख किए करके बैठा व्यक्ति एक्स के बाई ओर ठीक बगल में बैठा है डन अब कह रहा वाई और एक्स के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है तो वाई और एक्स के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है जेड का मुख किस दिशा में तो जेड हो गया तो जेड का मुख किस दिशा में तो एक के दिशा में क्लियर हो गया अब जेड का मुख किस दिशा में तो एक की तरफ है क्लियर डन ना अगला सवाल छह छात्र पी क्यू आर एस टी यू को उनकी पुस्तकों को एक बुक सेल्फ की छह अलग अलग अलमारियों में रखने के लिए निर्देशित किया गया जिसमें एक के ऊपर एक करके है। S की सबसे वाली अलमारी पर रखी गई है तो so, एस सबसे ऊपर पुस्तक सबसे ऊपर वाली अलमारी में रखी गई है पी और यू की पुस्तक के क्रमशः सबसे ऊपर से तीसरी और सबसे नीचे से तीसरी अलमारी पर रखी गई है पी यानी कि सबसे ऊपर से तीसरी तो पी हो जाएगा और यू नीचे से तीसरी तो पी और यू पुस्तके क्रम सब से सबसे ऊपर से तीसरी और सबसे नीचे से तीसरी अलमारी यू और क्यू की पुस्तकों वाली अलमारियों के बीच वाली अलमारी में केवल आर की पुस्तकें रखी गई है तो यू और क्यू की पुस्तकों के बीच केवल आर तो बताइए बच कौन गया पी क्यू आर एस टी यू तो टी बच गया है डन ना छात्र टिक की पुस्तक ऊपर से किस अलमारी पर तो ऊपर से दूसरी अलमारी पर कौनसी ऊपर से दूसरी अलमारी पर रखी गई है क्लियर है अगला सभी कंप्यूटर क्या लैपटॉप है। कुछ लैपटॉप क्या है मोबाइल है, है? है।, है। बन गया पहला कुछ कंप्यूटर मोबाइल है ना कंप्यूटर अलग मोबाइल अलग पहला गलत हो गया कुछ मोबाइल कंप्यूटर है ना कुछ मोबाइल लैपटॉप है तो हा तो केवल निष्कर्ष तीन पालन करता है ऑप्शन से क्या चला जाएगा तो बी चला जाएगा ऑप्शन से क्या चला जाएगा बी चला जाएगा कोई दिक्कत नेक्स्ट क्वेश्चन सात व्यक्ति एक सात मंजिला इमारत में रहते हैं तो एक दो तीन चार पांच छ और सात कौन कहां रहता है चलो पता करते हैं पहला लाइन क्या कहता है ये देखो डी जिस मंजिल पर रहता है उसके नीचे की मंजिलों पर केवल चार व्यक्ति रहते हैं तो डी जहां पर भी रहता है उसके नीचे चार मतलब पांचवी मंजिल पर रहेगा सी के नीचे मंजिलों पर केवल दो व्यक्ति रहते हैं सी के नीचे मंजिलों पर केवल दो व्यक्ति रहते हैं बी सबसे निचली मंजिल पर रहता है सब कुछ तो खुद बता दिया बी सबसे निचली मंजिल पर रहता है ई e, बी के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है और ई बी के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है ए एफ के ऊपर किसी एक मंजिल पर रहता है किंतु जी के नीचे किसी एक मंजिल पर रहता है तो ए एफ के ऊपर कहीं और जी के नीचे किसी एक मंजिल पर तो क्या हो जाएगा ए एफ के ऊपर कहीं रहेगा और जी के नीचे कहीं रहेगा तो ए एफ जी हो गया तो बताइए ए बी डी ई एफ जी हो गया सवाल क्या है मंजिल क्रमांक चार पर कौन रहता है तो मंजिल क्रमांक चार पर कौन रहता है एफ रहता है कौन रहता है एफ रहता है कोई दिक्कत डन नेक्स्ट क्वेश्चन यदि कि, किसी कूट भाषा में बावर्ची को ग्लास ग्लास को कप कप को कूल और कुल को अमीर लिखा जाता है तो भोजन कौन बनाता है तो भोजन कौन बनाता है आ, बावर्ची को गिलास का तो बावर्ची बनाता है बावर्ची को क्या कहा जाता है गिलास कहा जाता है आंसर भी क्या हो जाएगा गिलास हो जाएगा क्लियर अगला कॉक को देखिए प्लस दो दो, प्लस दो प्लस दो प्लस दो यहाँ से भी आइए चार दो छः इक्कीस दो तेईस तीन दो पाँच और ग्यारह दो तेरह मतलब सब में प्लस टू प्लस टू किया गया है तो बताओ शान में क्या हो जाएगा यू वाई सी पी यू वाई सी पी ऑप्शन से बी नंबर अगला क्वेश्चन रोहन का मुख किधर पश्चिम की ओर वह 45 डिग्री वामावर्त मतलब माइनस 45 और फिर अपने दाई और 180 डिग्री मतलब प्लस 180 डिग्री मुड़ता है मतलब प्लस 135 डिग्री हो गया अब बताइए उसका मुख पश्चिम की तरफ है किधर है उसका मुख पश्चिम की तरफ है अब यहां से प्लस 135 का मतलब क्लॉकवाइज हो जाएगा और क्लॉकवाइज 135 डिग्री मुड़ेगा तो उसका फेस किधर हो जाएगा उत्तर पूर्व में किधर उत्तर पूर्व यानी कि डी नंबर आंसर क्लियर अगला सवाल दिए गए संख्या युग्मों में से मतलब डिफरेंट कौन है तो 16 का स्क्वायर दो होता है यानी कि प्लस 11 किया गया है 18 का स्क्वायर 324 होता है मतलब से जोड़ा गया है 14 का स्क्वायर तो दा का स्क्वायर 196 प्लस 11 जोड़ा गया है 12 का स्क्वायर 144 प्लस 11 जोड़ा गया तो बताओ इसमें से अलग कौन है सी नंबर अलग है कौन अलग है सी नंबर अलग है कोई दिक्कत अगला, एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज की ओर केंद्र कोण से चार इनके कोनों पर बैठाओ ऐसे ही बैठाओ ना ये चारों भुजा हो गया ये चारों कोना हो गया डन क्या दिक्कत है डी बी मेज के किसी एक कोने पर बैठा है और बी और डी के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं बी मेज के किसी कोने पर बी और डी के बीच केवल दो व्यक्ति सॉरी बी और डी के बीच एक दो के बाद डी ये भी हो सकता है लेकिन एक दो के बाद डी वहां भी हो सकता है सी डी के दाई और दूसरे स्थान पर बैठता है तो सी डी के दाई और दूसरे स्थान पर बैठता है सी और एक के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठते हैं सी और एक के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठते हैं ई एक के बाई और ठीक बगल में गलत गलत हो गया क्या हो गया गलत हो गया तो डी को वहां हटाइए बी और डी के बीच में दो लोग डन तो बी और डी के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं सी डी के दाईं और दूसरे स्थान पर सी कहां तो डी के दाईं और दूसरे स्थान पर 80 और ए के बीच में कितने लोग तीन व्यक्ति ई e, एक के बाईं और ठीक बगल में बैठा है ई एक के बाईं e, और ठीक बगल में ये डायग्राम सही है एफ जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर तो बताइए जी के दाई दूसरा तो होगा नहीं जी के दाई दूसरा तो होगा नहीं जी के दाई दूसरा एफ हो गया बच कौन गया है ए हो गया बी हो गया सी हो गया डी हो गया डन e, इनमें से कौन एच के बाई और दूसरे स्थान पर बैठता है तो बताइए एच के बाई और दूसरे स्थान पर कौन बैठता है कौन बैठता है सी बैठता है कौन बैठता है सी क्लियर है अगला सवाल अट्ठाईस यदि श्रृंखला में से सभी प्रतीक को हटा दिया जाए तो, तो में से कौन सा बाई से सातवां होगा तो बाई से सातवां एक दो तीन चार पांच छः सातवां मतलब क्या हो जाएगा तीन हो जाएगा बस प्रतीक को गिने ही नहीं है ना अगला देखो टी यू से यहां से गलत करो हटाओ कितने भरने हैं एक दो तीन है एक दो तीन, एक, दो, तीन चार पांच छ एक, दो तीन चार पांच छ अच्छा टी यू पी है तो बताइए टी यूपी होगा कि नहीं जब टी यूपी है तो टीयूपी तो के बाद क्या है के है तो टीयूपी बन गया कि नहीं बन गया तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा के टी यू पी के के टी यू यूपी के ऑप्शन से बी नंबर डन टोटल सोलह है मतलब चार चार का ग्रुप बनाएगा डन अगला शिल्पा और राधिका ने क्रमशः दो अलग अलग बिंदुओं ए और बी से चलना शुरू किया शिल्पा दोनों क्या कह रहा है शिल्पा और राधिका ने क्रमशः दो अलग अलग बिंदुओं से ए और बी से शुरू किया शिल्पा उत्तर की ओर चार किलोमीटर चलती है फिर पूर्व की ओर मुड़ती है देखो शिल्पा उत्तर की ओर चार किलोमीटर चलती है चलो ये शिल्पा है चार किलोमीटर उत्तर की ओर चली फिर पूर्व की ओर मूर्ति है छः किलोमीटर जाती है कोई दिक्कत और छः किलोमीटर चलती है पुनः उत्तर की ओर मूर्ति है और आठ किलोमीटर चलती है यहाँ से पुनः उत्तर की तरफ मुड़ करके आठ किलोमीटर चलती है और अंत में पूर्व की ओर मूर्ति है और दस किलोमीटर चल करके बिंदु सी पर पहुँचती है मतलब इसका डायग्राम ऐसा बनाओ चार छः आठ देखिए जरा चार छ आठ यही ना अरे यार चार, आठ, ऐसे ना है। हाँ। चार आठ दस और कहाँ पहुंच जाती है सी पर इसी तरह राधिका उत्तर की ओर चार किलोमीटर चलती है और फिर पश्चिम की ओर मूर्ति है और छह किलोमीटर चलती है और अंत में उत्तर की ओर मूर्ति है और आठ किलोमीटर चल करके सी अब देखो आ, उत्तर की तरफ, तरफ आठ किलोमीटर चलने पर सी आता है डन ध्यान दीजिएगा चाहे अलग बना लीजिए और लास्ट में इसको अटैच कर लीजिएगा ठीक है अलग इसको बना लीजिए और अटैच कर लीजिएगा राधिका उत्तर की तरफ चार किलोमीटर उत्तर की तरफ चार किलोमीटर चलती है हाँ। हाँ। अलग पेन से बना लूँ, चलो इसी तरह राधिका उत्तर की ओर चार किलोमीटर चलती है तो उत्तर की तरफ चार किलोमीटर चलती है फिर पश्चिम की ओर छे किलोमीटर चलती है अब देखो पश्चिम की ओर किलोमीटर चलती है अंत में उत्तर की ओर मुड़ती है और आठ किलोमीटर चल करके सी और उत्तर की तरफ आठ किलोमीटर चल करके सी पर से मिलती है किससे मिलती शिल्पा से मिलती है इसका मतलब यह डायग्राम क्या हो जाएगा आठ छे और चार आठ छे और चार आठ यही ना होगा जी इसके पलर में छ और चार ठीक है क्लियर ना तो ये इसका और इसका ऑरिजिन पॉइंट है मिला दिए सवाल क्या पूछ रहा है ये बताओ शिल्पर राधिका के आरंभ के बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी बताओ ये छः है ये दस है और ये छः है मतलब कितना हो गया बाईस किलोमीटर बड़ा अच्छा सवाल था कितना किलोमीटर बाईस किलोमीटर क्लियर है पहले दोनों अलग अलग बनाए फिर लास्ट में अटैच कर दिए कोई दिक्कत अगला हाँ। देखिए बढ़ते क्रम में सजा दिया गया बढ़ते क्रम में सजा दिया गया ए आर टी वाई बढ़ते क्रम में लेडीज है तो बताइए ए हो जाएगा डी हो जाएगा ई e हो जाएगा आई हो जाएगा एल एस ए डी आई ए ई आई ए ई आई ए ई आई एल एस ऑप्शन से ए नंबर ऑप्शन से ए नंबर कोई दिक्कत अगला सवाल इसमें देखिए एक्स से एम चलते हैं तो एक्स से एम उल्टा चलते हैं, जब भी उल्टा चले ध्यान रखिएगा ये सिंबल चेंज हो जाता है लेस ग्रेटर में लेस और इक्वल ग्रेटर और इक्वल में तो रिलेशन तो बन रहा है वैल्यू किसकी ग्रेटर की सही एक्स से एल चलिए दूसरा कलर पहन लेते हैं एक्स से एल यहाँ पर भी उल्टा चल रहे हैं तो सिंबल ही अपोजिट हो गया रिलेशन ही नहीं बना तो गलत हो गया एम से के चलिए तो आप जरा एम से के चलिए उल्टा चल रहे हैं तो ये चेंज हो जाएगा ये चेंज हो जाएगा मतलब सही हो गया वैल्यू इसकी होगी ना एल से के चलते हैं तो जरा अच्छा एल से के चलते हैं तो एल ग्रेटर देन के कभी हो ही नहीं सकता तो केवल एक और तीन बताइए ऑप्शन से क्या हो जाएगा तो डी नंबर हो जाएगा केवल एक और तीन ऑप्शन से डी लास्ट क्वेश्चन देखिएगा सी एफ जी एम एस यही किया गया ना सी एफ एम जी एस यही ना कह रहा उस विकल्प चेंजिस का पांचवें अक्षर समझिए ओके 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 देखो इसको पहले ना किया, किया गया है बहुत अच्छा सवाल है इसका वर्णमाला क्रम क्या हो जाएगा बी ई एफ बी ई एफ एल और आर इसको देखिए सी एफ जी एम एस मतलब प्लस वन किया गया है कि नहीं इसको वर्णमाला के अनुसार सजाइए तो सी हो जाएगा एच हो जाएगा जे एल सी एच जे एल एम अब लिखिए तो डी आई के हाँ सी एच जे एल एम डी आई के एल एम डी आई के एल एम कुछ तो कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर गलती है जी एल एम नहीं एम एन होगा गड़बड़ी है यहाँ तो बताइए यहाँ पर भी प्लस वन किया गया है यहाँ पर एम और यहाँ पर एन होगा गड़बड़ दिया हुआ है तो ई डी तो पहले क्या हो जाएगा डी ई ओ टी मतलब डी से ई e हो जाएगा एफ हो जाएगा एफ हो जाएगा पी हो जाएगा यू हो जाएगा ई एफ एफ पी यू ई एफ एफ पी यू ऑप्शन से सी मतलब पहले वर्ण क्रम में उसको सजाया है और उसके बाद बनाया है ठीक है डी आई के एम एन होगा वहाँ गड़बड़ी है डी आई के एल एम नहीं होगा एम एन होगा डन डी सी आर एस हाँ ठीक डन ना तो चलिए यहां तक आज का सेट कंप्लीट हुआ डन तो चलिए फिर ओ माय गॉड ओके चलिए फिर बाय बाय मिलते हैं फिर कल